नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। 91 प्रशिक्षण सत्र में रीवा पीटीएस के 537 प्रशिक्षु नव आरक्षक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। एडीजीपी ने परेड की सलामी लेकर सत्य व निष्ठा की शपथ दिलाई। पीटीएस रीवा के दीक्षांत परेड में जलवायु परिवर्तन की झलक दिखी। रीवा पीटीएस में 537 प्रशिक्षु नव आरक्षक 91 प्रशिक्षण सत्र के दीक्षांत परेड में शामिल हुए। यहाँ पर मुख्य अतिथि विजय कटारिया, अतिरिक्त महानिदेशक कल्याण पीएचक्यू भोपाल ने परेड की सलामी लेकर प्रशिक्षु नव आरक्षकों को सत्य व निष्ठा की शपथ दिलाई। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में संभागायुक्त अनिल सुचारी, डीआईजी रीवा रिंस अनिल कुशवाहा, एसपी रीवा नवनीत भसीन मौजूद रहे। वहीं दर्शक दीर्घा में शहर के वरिष्ठ नागरिक, नव आरक्षक के परिजन, पीटीएस के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में पीटीएस के जवानों ने विश्व पीड़ा की वेदना से रीवा को रूबरू कराने के लिए जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन आदि संवेदनशील मुद्दों की थीम बनाकर कार्यक्रम को आयोजित किया। बताया गया कि पूरे पीटीएस परिसर को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संदेश के साथ बैनर पोस्टर लगाए गए, साथ ही इसी थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतिकरण दी गई। वहीं पर्यावरण से जागरूक करने स्लोगन लगाए, अंत में अतिथियों को उपहार स्वरूप पौधे सप्रेम भेंट किए गए। बताया गया कि दीक्षांत परेड में प्रशिक्षु नव आरक्षकों ने सर्वप्रथम एडीजीपी विजय कटारिया को सलामी दी। इसके बाद मुख्य अतिथि ने खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान पीटीएस पुलिस अधीक्षक वैष्णव शर्मा और परेड कमांडर प्रशिक्षु नव आरक्षक मुकेश लिल्हारे के साथ संपूर्ण परेड का भ्रमण किया। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज और पुलिस ध्वज को साक्षी मानकर 537 नव आरक्षकों को एसपी पीटीएस द्वारा भारत के संविधान और पुलिस आचरण संहिता के प्रति श्रद्धा और सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इसके बाद परेड के मार्च पास्ट का भव्य दर्शन किया गया। परेड कमांडर मुकेश लिल्हारे और 2IC भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में परेड 10 प्लाटूनों के कॉलम में मंच के सामने से मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए गुजरी। मुख्य अतिथि ने बैच के सर्वोत्तम प्रशिक्षणार्थियों को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। सत्र का सर्वोत्तम प्रशिक्षणार्थी होने का गौरव नव आरक्षक सचिन पटेल जिला अनूपपुर को प्राप्त हुआ। मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि अपने बहुमुखी प्रशिक्षण का उपयोग पुलिस की नवीनतम कार्यप्रणाली में लगाएं, साथ ही समाज की सेवा करने का संदेश दें। सफलतापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को शुभकामनाएं दी। इसके बाद मुख्य अतिथि ने पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। नव आरक्षकों द्वारा अत्यंत प्रभावी ढंग से निष्क्रमण की कार्यवाही की गई। आभार प्रदर्शन व अतिथियों के स्वल्पाहार से दीक्षांत परेड का समापन हुआ। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।